मनुष्य जाति का पाप। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार के बदले उसे अपना लिया जो स्वभाव के विरुद्ध है। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनकी भ्रष्ट मानसिकता पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, व्यभिचार, दुष्टता, लालच और बुराई से भर गए, और ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, धोखाधड़ी और गंदी आदतों से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, ढिठाई करने वाले, घमंड करने वाले, शेखी मारने वाले, बुरी बुरी बातों के गढ़ने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, विवेक रहित, विश्वासघाती, प्रेम रहित, क्षमा ना करने वाले और निर्दयी हो गए। हालांकि ऐसे लोग परमेश्वर का ये निर्णय बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे ऐसे बुरे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल खुद ही ऐसे बुरे काम करते हैं बल्कि ऐसा करने वालों का समर्थन भी करते हैं।